नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव बिहार न्यूज बिहार में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है इस बार जो है ये चुनाव जो है कुछ बदलाव के साथ होगा इस बार जो है मेयर का चुनाव जनता करेगी डिप्टी मेयर का चुनाव भी जनता करेगी जिसको लेकर के अब जो है सभी वार्ड में अब इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है कि इस बार मेयर के लिए कौन उठेगा और कौन जीत पाएगा क्योंकि हर के पास अपनी अलग अलग दावेदारी है इसी कड़ी में हम घूम रहे हैं पटना के विभिन्न वार्डो में और आज हमारे साथ हैं पटना के पूर्व डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता जी जो अपनी शख्सियत के लिए जाने जाते हैं काफी शांत स्वभाव के हैं जमीन से जुड़े हुए नेता खुद को बोलते हैं बीजेपी से इनका लगाव है बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं अपने एरिया में वार्ड इकसठ से कई बार इन्होंने जीत दर्ज की है या हम यूँ कह लें कि जब से पटना में नगर निकाय का चुनाव हुआ है तब से लगातार ये जीत दर्ज करते आ रहे हैं पाँच साल के लिए डिप्टी मेयर रहे कई सारे वाद विवाद से भी इनका रिश्ता नाता रहा आइए इस बार जान लेते हैं इस बार चुनाव को लेकर के इनकी क्या कुछ तैयारी है जी आपका बिहार न्यूज में स्वागत है धन्यवाद आप सभी लोगों का इस बार निगम का जो चुनाव होगा जनता वोट करेगी मेयर के लिए डिप्टी मेयर के लिए तो आप इस बार मैदान में हैं मेयर के लिए या फिर डिप्टी मेयर के लिए देखिए पहली बार ऐसा बिहार में जब निकाय के चुनाव हुए उसके बाद ये पहली बार ऐसा है जब जनता सीधे मेयर और डिप्टी मेयर को चुनेगी यानी महापौर और उप महापौर को चुनेगी सरकार ने अध्यादेश लाया है और अध्यादेश को का मंजूरी माननीय महामहिम राज्यपाल ने दे दिया तो अधिसूचना भी जारी हो गई तो एक कदम बढ़ गया है इसोर और निश्चित रूप से पहले जैसे चुनाव होते थे तो कहीं ना कहीं सरकार हाउस ट्रेडिंग का मामला सरकार के नज़र में रहता था ऐसा हमें लगता है सरकार इसको रोकने के लिए ही सरकार ने ऐसा नियम किया है लेकिन ये तो ठीक ठाक है कोई बात नहीं है लेकिन सरकार को एक और दरिया दिल्ली दिखानी चाहिए चूँकि देखिए लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो जो यहाँ का निर्वाचन का जो प्रक्रिया है जो संसद सांसद लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनते हैं अपना नेता मानते हैं ऐसे ही मुख्यमंत्री जी को माननीय विधायक लोग चुनते हैं और नगर निगम भी एक टॉमस बॉडी है एक संवैधानिक संस्था है उसका अपना थी है और खास करके उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से निर्वाचन अन्य प्रतिनिधियों का होता है उसमें भार्ड पार्षद का भी चुनाव होता है निगम पार्षद का भी चुनाव होता है हमें लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाए उससे मैं असहमत नहीं हूँ लेकिन मैं मेरा कहना था यहाँ कि चूँकि नगर निकाय के चुनाव को भी दलीय आधार पर यहाँ कराना जाए, चाहिए चूँकि सरकार के जो नज़र में है कि हम लोग हाउस ट्रेडिंग का मामला बनता है तो ये सभी में होता है आप देखेंगे नरसिम्हा राव जी की सरकार में हाउस ट्रेडिंग कै, कैसा हुआ था और अन्य जो शासन व्यवस्था में रही है तो ऐसा रहा तो हमें नहीं लगता है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं। तो पार्षद जो होते हैं वो भी एक प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि का भी अपना काम जनता के प्रति जो कर्तव्य होता है उसको करना होता है मेरा मानना है कि अगर मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव ये जनता चुनेगी तो ठीक चुने तो है लेकिन देखिए अगर दलीय आधार पर होगा तो अन्य में व्हीप जारी करने का प्रावधान है जनप्रतिनिधि अगर अपने अथी से बाहर जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो अगर सरकार दलीय आधार पर कराती और वो व्यवस्था लागू रखती कि व्हीप जारी करके जो जो जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़के आए हैं वो अपने मेयर को चुनते मतलब आ, आपके कहने के मुताबिक दलीय आधार पर ये चुनाव होना चाहिए निश्चित मेरा इसमें और अथी है इसलिए कि मेयर और डिप्टी मेयर जब चुने जाएंगे अन्य शहरों का जो हम उठा के देखें इतिहास तो हमें लगता है कि ज़्यादा सफलता नहीं मिली चूंकि पार्षद जब चुन के आएंगे और उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि मेयर नहीं होगा तो शायद मेयर और डिप्टी मेयर निरंकुश हो जाएंगे पार्षद अपना बात कहाँ रखेगा अगर मेयर किसी पर खुश हैं तो उनका काम हो जाएगा डिप्टी मेयर खुश हैं तो उनका लेकिन जो पार्षद उनके विचारधारा से नहीं मिलते हैं तो उनका तो काम रुकेगा तो हमें लगता है कि इस तरह टेक्निकल फॉल्ट है जो आप खुद अंदर जाकर के हाँ दे चूंकि देखिए एक और व्यवस्था में लागू करें दो में बिहार का जनगणना या देश का जनगणना हुआ था आप पटना नगर निगम की जनसंख्या उभरी तेरह लाख चालीस हजार था फिर 2011 में हुआ जब चुनाव हुआ था पहली बार उस घड़ी संतावन वार्ड हुआ करते थे और इस वार्ड का छियालीस नंबर था लेकिन बाद में 2007 में जब अमेंडमेंट लागू हुआ संविधान लागू हुआ नियम कायदा कानून बने तो यहाँ वार्डों की संख्या बहत्तर हो गई और उसमें ये वार्ड इकसठ आया तो हमें लगता है कि अगर इस तरह की व्यवस्था में हम लोग चुनाव जो लड़ेंगे और पार्षद जब चुनेंगे तो मेयर समान रूप से सभी पार्षदों का सुनेंगे और लोगों का काम भी होगा यह मेरा कहना नहीं है कि पक्ष और विपक्ष का काम नहीं होगा लेकिन प्रतिनिधि जो चुनेंगे तो मेयर कहीं ना कहीं इस ओर उत्तरदायी होंगे कि मुझे व्यवस्था के तहत सभी को देखना होगा नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव मौलिक अधिकार है पार्षद का या कोई जनप्रतिनिधि का किसी भी अगर मुख्यमंत्री होते हैं उनके खिलाफ अगर लोगों में विधायक संतुष्ट नहीं है तो उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है सरकार अपना विश्वास एक और सवाल है जी जनता जो है उत्सुकता दिखाएगी अपने पार्षदों को चुनने के लिए लेकिन क्या लगता है कि नगर अध्यक्ष मेयर का चुनाव करने के लिए उस तरह का उत्सुकता दिखा पाएगी जनता देखिए ये लोकल लेवल का चुनाव होता है और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि हम समझते हैं कि जो छोटे तरह के होते हैं वो जो छोटी छोटी बातें हैं तो छोटी छोटी बातें जैसे सफाई व्यवस्था है निगम का मूलतः काम सफाई व्यवस्था है लाइट पोल लाइट की व्यवस्था यहाँ पानी को सुचारू रूप से शामिल रखना ये अगर बात करते हैं बाकी नली गली जो है बनाना है काम तो लेकिन एक बात आप समझिए कि जब ये सब काम मूलतः पार्षद का है और उसके जनप्रतिनिधि जो होंगे मेयर होंगे और अगर उनके द्वारा नहीं चुने जाएंगे तो ये सब काम पर भी इसका असर पड़ेगा इसका असर पड़ेगा आपकी क्या तैयारी है इस बार चुनाव को लेकर देखिए लोकतंत्र में हम लोग जब राजनीति में आए हैं और सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मेरा भी अधिकार है और लोग जो मेरे चाहने वाले लोग हैं उनका भी सोच है कि चुनाव लड़े लेकिन अभी मैं एक बात और उसमें कहना चाह रहा हूँ कि अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपने देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को डिक्लेयर करने के लिए कहा है हमें लगता है कि ये व्यवस्था इसी के कारण महाराष्ट्र में भी चुनाव रुके हैं तो अभी तो यहाँ मेयर का जो पद है वो एकल पद महिलाओं के लिए आरक्षित है तो हमें लगता है कि ये सब भी अभी क्लियर होने में समय लगेगा इसको भी क्लियर इसको भी क्लियर सरकार को करना चाहिए और नियमावली जब मेयर डायरेक्ट चुने जाएंगे तो इसका नियमावली भी बनना चाहिए कि आखिर उनका कार्य किस तरह से होगा पार्षद का काम कैसे होगा इस बात पर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए पार्षद का काम प्रभावित नहीं हो नहीं पार्षद का कोई काम ही नहीं है जनता का काम प्रभावित ना हो पार्षद तो एक उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी आवाज़ को ही सदन में रखते हैं या सरकार के पास पहुंचाते हैं तो जनता का काम ना रुके इसके लिए लोगों को जनप्रतिनिधियों को बड़े हैं दरिया दिल्ली दिखाएँ लेकिन पार्टी लेवल पर चुनाव कराएं ये मेरी मांग है और ये आग्रह भी है अगर तैयारियां करते हैं तो तैयारियों को लेकर के आपको छोटी मोटी तैयारियां तो नहीं करनी पड़ेगी बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी गोलबंद करना पड़ेगा पार्षदों को देखिए जो पटना नगर निगम का जो चुनाव होगा अब पचहत्तर वार्ड में है और ये पचहत्तर वार्ड को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ये फिर से सीमांकन करने की आवश्यकता है फिर भी आरक्षण को देखने की आवश्यकता है आप जब नगर निगम के जो किताब है जो संविधान का किताब है उसमें पटना नगर निगम को पहले ही ये कहा गया है कि पचहत्तर वार्ड से अब ज़्यादा नहीं हो सकते लेकिन दो के जो जनगणना के अनुसार चुनाव होंगे तो दो से जो यहाँ जो आने वाले माइग्रेट होकर बहुत से अन्य छोटे छोटे जगह से जिलों से यहाँ आके पटना में जो लोग बसे हैं या लोग रोग पटना में आते हैं तो उनकी संख्या ग्यारह बरस में कितना बढ़ा होगा ये सोचने, सोचने की बात है ये सोचने की बात है कहा जाता है कि जितना डिसेंट्रलाइज होगा पावर उतना लोगों को फ़ायदा होगा सेंट्रलाइज से फा, फायदा नहीं होगा तो बाडों की अगर संख्या बढ़ेगी तो छोटी छोटी जो समस्या है वो उस जनप्रतिनिधि उसको पूरा कर पाएंगे तो मेरा कहना है कि एक बार ये भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि दो हज़ार जो ग्यारह के जनसंख्या पर हम लोग चल रहे हैं और आज 2022 से ग्यारह बरस हो गए तो ऐसे लोग जो सफ़र कर रहे हैं लेकिन सुविधा तो ले रहे हैं पटना नगर निगम जो सुविधा प्रदान करती है या सरकार जो सुविधा प्रदान करती है उसको लेते हैं तो निश्चित रूप से इस और भी सरकार का ध्यान देना चाहिए कि इस ओर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो समस्याएँ हैं छोटी छोटी उसको समाधान निकालने में सरकार को भी सुविधा होगी नगर निकाय को भी सुविधा होगी और नगर पार्षद को भी क्या लगता है कि अगर आप चुनाव में उतरेंगे तो जनता का प्यार सहयोग मिलेगा क्यों नहीं जैसे आप आप देखिए एक बात कॉन्फिडेंस रहिए विश्वास रखिए आप अगर सच्चे मन से सेवा करते हैं किसी का और जुड़ाव है आप मेरे बाट में जब घूमेंगे मैं तीन बार इस नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ दो बार हमें बिहार में लोगों ने सबसे ज़्यादा मत दे हमको गौरवित करने का मौका दिया तो निश्चित रूप से ऐसा हर क्षेत्र में और एक वार्ड नंबर इकसठ खास करके मॉडल के रूप में देखा जाता है आप जब चर्चा करेंगे इसे और तो यहाँ जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं और लोगों का जो मौलिक अधिकार है मिला है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण कोई भी ऐसी नली गली नहीं है आप घूमे होंगे चूंकि एरिया में जब घूम रहे हैं आप तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा गली में नली में जो पक्कीकरण नहीं है कोई भी ऐसा पॉल नहीं होगा जहाँ लाइट नहीं है जो भी थी इस एरिया में हमें लगता है कि कंपटीशन जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो कंपटीशन होता है तो जो फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो बच्चा दूसरा बच्चा को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वो जो अगर फर्स्ट डिवीजन आए हैं तो मैं भी आ सकता हूँ तो नहीं तो ऐसे ऐसा सोच मैं रखता हूँ कि अगर किन्हीं का बाट बहुत अच्छा है तो मेरा बाट क्यों नहीं हो सकता ये हमें घर करता था हमेशा टीस मारता था तो मैंने इसी उद्देश्य को लेकर पूर्ति किया आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस वार्ड में पोस्ट ऑफिस है इस वार्ड में पार्क है इस वार्ड में खेलने का बच्चों का बहुत बड़ा मैदान है जो अपनी पटना सिटी में नहीं है किसी का इस वार्ड में हॉस्पिटल है इस वार्ड में छः छः सौ सौ एच पी का हाई पावर पंप है आप जब घूमेंगे जहाँ पानी की व्यवस्था हम नहीं कर सकते थे उस पंप के द्वारा तो समर्सेबुल बोरिंग मेरा ही इस अथी में लाया हुआ उसका भी एक कहानी है मेरे एरिया में जब चापाकल हुआ करते थे तो जब भी खराब हो तो नगर निगम से तो कोई प्रावधान नहीं कि नगर निगम साल में एक बार बनाएगी तो हमें अपने प्राइवेट फंड से उसका इस्तेमाल अपने पॉकेट से उसका बनाना पड़ता था क्योंकि जनती जनता बिना पानी के तो रह नहीं सकती तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये बार बार जब ऐसी समस्या आती है तो मैं क्या करूं तो मैं समरसेबुल मोटर खरीदा और उस चापाकल में उसको डाल दिया और उस जब, उसको जब चलाएं तो सक्सेस हो गया कि पानी उसमें गिरने लगा लोगों को जो पानी की कमी थी उसमें बहुत उसको पाइप से हमने दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया ऐसी जब हुई तो नगर निगम में भी उसको अडॉप्ट किया और आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो अभी पचहत्तर ऐसे समस्याबुल बन रहे जहाँ पानी नहीं थी वहाँ लोगों को मैंने समस्टेबुल से और अब तो नगर निगम ने ही उसको अप्रूव कर दिया बिहार सरकार ने ही अप्रूव कर दिया तो ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी जो समस्याएँ हैं उसको और मैं सुबह मेरा आदत है सुबह सुबह पाँच बजे उठना और पाँच बजे उठकर नित्य क्रिया करके कर, तैयारी होकर और छः बजे से मैं निकल जाता हूँ और पूरा एरिया घूमकर और सात बजे मैं बैठ जाता हूँ ऑफिस में सात से ग्यारह रहता हूँ मेरे साथ मेरे जो कार्यकर्ता है वो रहते हैं और बहुत शिद्दत से काम किया कहीं राशन कार्ड हो या श्रम कार्ड हो या वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो आप देखेंगे अन्य बाढ़ों की अपेक्षा जब आप आंकड़ा देखेंगे तो देखेंगे कि इस बाढ़ के जो लोग हैं उससे ज़्यादा प्रभावित हैं लाभ ज़्यादा लाभ मेहता जी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इस क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसका निदान आप अच्छी तरीके से करें और आने वाला जो वक्त हो आप जब चुनाव लड़े तो आपके लिए बेहतर हो कैमरा पर्सन विनोद के साथ आसिफ सिद्दीकी लाइव बिहार न्यूज़